हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहहिं सुनहिं बहुविधि सब संता। भगवान अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है, और उन अनंत भगवान की कथाएं भी अनंत हैं, और उन प्रभु के चरित्र का वर्णन अनेक रूपों में संतों के द्वारा किया जाता है। इस पंक्ति के मूल में यह बताने की चेष्टा की गई है, वस्तुतः अगर हम अपने भारतीय साहित्य पर दृष्टि डालें तो भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन इतने रूपों में और इतने ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि उसे पढ़ करके या सुन करके आश्चर्य होना स्वाभाविक है। कोई भी ऐसी विधि नहीं है कि जिसमें राम कथा प्रस्तुत न की गई, गद्य में, पद्य में, पुराण में, इतिहास में, नाटक में श्री राम की कथाएं लिखी गई, और रामलीला के रूप में उसका दर्शन सारे उत्तर भारत में प्रतिवर्ष एकत्र होकर के लाखों लोग करते हैं, और जब अभी दूरदर्शन पर श्री राम का चरित्र प्रस्तुत किया जा रहा था तो उसे लेकर के भी लोगों के हृदय में जो एक विशेष आकर्षण था, उस आकर्षण को देख करके आश्चर्य होना स्वाभाविक है। तो श्री राम की जो यह लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता के संबंध में संस्कृत में एक बड़ी ही सुंदर पंक्ति आती है। कविता का है कि जो गुण और दोष माने जाते हैं उन कविता के दोषों में से एक दोष यह माना जाता है कि कवि यदि एक ही शब्द को बार बार दोहरावे तो यही लगता है कि जैसे कवि के पास शब्दों की कमी है और इसीलिए उसी शब्द को वह दोहरा रहा है, और उसको कविता की दृष्टि से उसके लिए संस्कृत में और हिंदी में एक शब्द है पुनरुक्ति, बार बार एक ही बात को दोहराना। एक कवि अपने ग्रंथ का जब निर्माण कर रहे थे तो किसी व्यक्ति ने कवि जी से पूछा कि आपके ग्रंथ का नायक कौन, किसे केंद्र बना करके आप कविता की रचना कर रहे हैं, और जब कवि ने यह उत्तर दिया कि हमारे ग्रंथ के नायक तो श्री राम है, तो सामने वाले व्यक्ति ने व्यंग भरी भाषा में ये कहा कि आप लोग पुनरुक्ति को दोष मानते हैं, एक ही शब्द यदि दो बार तीन बार कह दिया गया तो ये कवि की कमी मानी जाती है, तो
आप लोग जब बार बार श्री राम के ही चरित्र का वर्णन करते हैं, उनकी कथा को बार बार दोहराते हैं, तो क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि ये कितना बड़ा दोष है? और तब कवि ने बड़ी मीठी भाषा में कहा कि हां, एक ही बात को बार बार दोहराना दोष तो है, पर यह दोष जो है वो बेचारे कवियों का नहीं, कवियों का नहीं है तो किसका है? तो उसने कहा कि ये तो भगवान राम के गुणों का ही दोष है कि वो बार बार कवि को अपनी ओर इतना खींच लेते हैं कि जाने अनजाने में वह उन्हीं के गुणों का वर्णन करने लगता है। मानो कवि ने यह बताने की चेष्टा की कि जब किसी की भी दृष्टि ऐसे नायक की खोज में जाती है तो उसके समक्ष श्री राम के गुण और श्री राम का चरित्र जब आता है तो वह व्यक्ति बाध्य हो जाता है श्री राम के गुणों को और श्री राम के चरित्र को बार बार दोहराने के लिए। तो सचमुच पूरे भारतीय साहित्य में ही नहीं, अन्य देशों में जो भारत के आसपास हैं, वहां के विभिन्न क्षेत्रों में भी श्री राम को लेकर के ग्रंथ मिलते हैं और श्री राम को लेकर के केवल हिंदू धर्म के संदर्भ में ही नहीं, इंडोनेशिया में तो मुस्लिम धर्म के ही अधिकांश व्यक्ति मानने वाले हैं, पर आप लोगों में से जो समाचार पत्रों को पढ़ते हैं वहां के विषय में जिनकी जानकारी है उन्हें यह पता होगा कि वहां प्रतिवर्ष श्री राम की लीला जो है वो नाट्य मंच पर प्रस्तुत की जाती है। और इसी से सिद्ध होता है कि श्री राम की जो ये कथा है वो इतनी लोकप्रिय है कि केवल भारत में ही नहीं, जो अन्य धर्मों के मानने वाले हैं वहां पर भी श्री राम के चरित्र का आकर्षण, लीला का आकर्षण उन्हें अपनी ओर खींचता है। आप यह भी जानते होंगे कि रूस में आस्तिकता और ईश्वरवाद को स्थान नहीं दिया गया है, किंतु वहां पर भी रूसी भाषा के प्रसिद्ध लेखक बारान निको ने पूरे रामायण का रूसी भाषा में अनुवाद किया और रूसी भाषा में उन्होंने अनुवाद ही नहीं किया, उतने से उनको संतोष नहीं हुआ, फिर उन्होंने पूरे रामचरितमानस को कविता में, रूसी भाषा में कविता के रूप में प्रस्तुत किया और उनका वह ग्रंथ वहां बड़ा लोकप्रिय हुआ। भले ही वहां श्री राम को ईश्वर के रूप में न स्वीकार किया जाता हो, पर श्री राम के गुणों ने और चरित्र ने ईश्वर की सत्ता को न मानने वालों को भी अपनी ओर खींचा। और शायद आप में से अधिकांश लोग इससे परिचित होंगे कि जब वहां पर रामायण को रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया, नाटक की विधि से प्रस्तुत किया गया, तो निरंतर कई वर्षों तक मंच पर वह नाटक दोहराया जाता रहा और वर्षों पहले लोग उसके लिए स्थान पाने की चेष्टा करते थे,
इतना लोकप्रिय हुआ, वहां ये रामायण के संदर्भ में एक नाटक के रूप में लोगों ने एक बार नहीं अनेकों बार देखा। इन सब बातों के दोहराने का तात्पर्य इतना ही है कि वस्तुतः श्री राम का जो चरित्र है, उनकी जो लीला है, वो न जाने कितने रूपों में, न जाने कब से संसार के व्यक्तियों को अपनी ओर खींचती रही। श्री रामचरित मानस में या हमारे देश में तो उसे एक महानतम आदर प्राप्त ही है, किंतु अन्य लोग भी किसी न किसी रूप में श्री राम की ओर आकृष्ट होते हैं। तो ये जो श्री राम के गुण हैं, उनका जो चरित्र है, उसको बार बार दोहराने का तात्पर्य क्या है? कोई वस्तु जब बार बार दोहराई जाती है तो बहुधा दिखाई देता है कि उसके प्रति आकर्षण थोड़ा कम हो जाता है, किंतु श्री राम के गुणों को बार बार दोहराने का उद्देश्य क्या है? आइए एक दृष्टि से इस पर विचार करें। कलकत्ते में किस रूप में कही गई थी वह बात तो मुझे याद भी नहीं है, कोई रटी हुई बात मेरे हृदय में नहीं है कि मैं उसे दोहरा सकूं, पर आइए यहां संक्षेप में उस पर एक भिन्न दृष्टि से भी सोचने की चेष्टा करें। और उसके मूल में सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि श्री राम का गुण और श्री राम का चरित्र हमारे लिए कितना उपयोगी है और कितना प्रेरक है। और एक बात कि श्री राम की कथा यदि आप अलग अलग ग्रंथों में पढ़ें या अलग अलग वक्ताओं से सुने तो उसमें कुछ भिन्नता का अनुभव होता है। तो इस भिन्नता का अर्थ क्या है? तो इसका सूत्र यह है कि मनुष्य के आप अगर अपने और संसार के सारे व्यक्तियों की ओर, वस्तुओं की ओर देखें तो आपको यही लगेगा कि सृष्टि जो है वो गुण और दोष से मिली हुई, और यह गुण और दोष से मिली हुई जो सृष्टि है उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि व्यक्ति को अपने गुण और दूसरों के दोष ही दिखाई देते, यही व्यक्ति का स्वभाव है। और तब उसका परिणाम यह होता है कि जब व्यक्ति की दृष्टि अपने गुणों पर जाती है तो उसे अभिमान होता है, और जब दूसरों के दोषों की ओर उसकी दृष्टि जाती है तो स्वभावतः दूसरों के दोष जब व्यक्ति देखता है तो दूसरे व्यक्ति में वो दोष सचमुच है कि नहीं है इसको दावे से कौन कह सकता है? हम केवल दूर से ही तो कल्पना कर लेते हैं, कुछ बातों को देख करके ही तो ये मान लेते हैं कि यह व्यक्ति बुरा है या उसमें यह दोष है। और तब जब दूसरे का दोष हम देखते हैं तो उसमें हो चाहे न हो, हमारे मन में जो है का वो दोष जो है अपने आप बैठ जाते, उतने देर के लिए मानो हमारा जो मन है वो दूसरों के दोष के चिंतन में डूब जाता है।
वो बुद्ध जातक की एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि भगवान बुद्ध के दो शिष्य नदी के किनारे स्नान कर रहे थे और उस समय नदी में एक युवती स्नान करने के लिए आई और वो नदी में डूबने लगी और जब डूबने लगी तो एक भिक्षु जो है उसको बचाने के लिए जब नदी की ओर चला तो दूसरे ने कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि बौद्ध धर्म के नियम के अनुकूल ये मान्यता है कि किसी स्त्री के शरीर को छूना नहीं चाहिए, पर दूसरे भिक्षु ने इसे नहीं माना और वो कूद करके गया और उस युवती को कंधे पर उठा करके वो बाहर ले आया। उसके पेट में जल भर गया था, उसके पेट को दबा करके उसके मुंह से पानी निकाल करके जब वह कुछ स्वस्थ हुई तो उसको कंधे पर ले करके वो जिस घर से आई हुई थी, चलने योग्य नहीं थी, वहां पहुंचा दिया। जब दोनों लौट करके आए तो एक भिक्षु ने जिसने नारी शरीर का स्पर्श नहीं किया था उसने यह कहा, यार मेरे साथी ने धर्म का उल्लंघन किया। एक युवती जिसकी अवस्था 18-20 वर्ष की रही होगी, जिसके शरीर पर वस्त्र जो था वो झीना था, स्नान करने से और भी वो एक दृश्य बन गया और इसने उसके शरीर को उठाया, उसका स्पर्श किया, उसके पेट का भी स्पर्श किया, उसको कंधे पर लाद करके घर तक इसने पहुंचाया। ये तो धर्म का उल्लंघन है, आप कृपा करके बतावे कि इसको आप क्या दंड देंगे। और तब उन्होंने मुस्कुरा करके कहा कि भिक्षु, ये तुम्हारे भिक्षु ने, ये तुम्हारे साथी ने तो उस युवती को कंधे पर उठाया और अंत में उतार दिया, और तुम्हारे मन के कंधे पर तो अब भी सवार है और तुम उसी के ध्यान में डूबे हुए हो। कब वो तो तुम्हारे मन में तुम इतना चिंतन जो कर रहे हो इसको शरीर का, क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम स्पर्श नहीं कर रहे हो? तुम तो सचमुच उसी के ध्यान में, उसी के चिंतन में डूबे हुए हो और इसलिए तुम्हें व्यर्थ ही दूसरे का दोष देखने के लिए प्रयत्नशील नहीं होना चाहिए। और यही सूत्र सबके लिए है, जब हम दूसरे का दोष देख करके लगते हैं उसका चिंतन करने तो उस चिंतन का परिणाम ही होता है कि उस समय वो सारे दोष की जो वृत्ति है वो हमारे मन पर छा जाती है। श्री रामचरितमानस में एक बड़ा सांकेतिक प्रसंग है और वो गुण और दोष की दृष्टि से बड़े महत्व का प्रसंग है और वो ये है, देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए हिमालय पर्वत की तराई में घूम रहे थे। अचानक एक झरना उनको दिखाई पड़ा, गुफा दिखाई पड़ी, छाया दिखाई पड़ी और उनको ये लगा कि भगवान का ध्यान करने के लिए ये स्थान जो है बड़ा उपयुक्त है। और तब वे उस भगवान के ध्यान के लिए उस झरने के पास आसन लगा करके बैठ गए। वैसे आप लोगों में से जिन्होंने पढ़ा या सुना होगा उनको यह पता होगा कि देवर्षि नारद को दक्ष प्रजापति ने यह श्राप दे दिया था कि तुम दो घड़ी से अधिक कहीं टिकोगे नहीं, ये उनको श्राप था। और श्राप इसलिए था
कि ब्रह्मा ने दक्ष को यह आदेश दिया कि सृष्टि का विस्तार करो, और उन्होंने कई लड़कों को जन्म दिया और नारद जी आए। लड़के उनके सत्संग में जाने लगे और देवर्षि नारद ने ऐसा उपदेश दिया कि वो घर बार छोड़ के सन्यासी हो गए। दक्ष को इतना बुरा लगा, ब्रह्मांड ने भी नारद पर व्यंग किया, ये ऐसे महात्मा वो ब्रह्मांड में आता है। पार्वती जी नारद की ही शिष्या थी, तो जब तपस्या कर रही थी तो सात महात्मा जो सप्तर्षि कहे जाते हैं वहां आए, और आकर के उन्होंने पूछा ये आप तपस्या किसके लिए कर रहे? बोले शंकर के, भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए। हंसे, आपका गुरु कौन? बोले नारद, और जोर से हंसे। अच्छा, तो नारद की शिष्या है, नारद का उपदेश, नारद का इतिहास आप लोग आप जानती हैं। उन्होंने आज तक जिसको उपदेश दिया उसका घर उजड़ गया। ये महात्मा घर उजाड़ने वाले महात्मा है, घर बसाने वाले महात्मा तो नहीं। और तब नाम यही उन्होंने लिया कि दक्ष सुतन उपदेशे निजाई और तीन पुन भवन ने देखा। दक्ष के पुत्रों को ऐसा उपदेश दिया कि जो लौट गए तो फिर लौटेंगे। और चित्र केतु कर घर उन घाला, चित्र केतु राजा के यहां भी उन्होंने यही किया, लड़कों को बरगला दिया और वो जंगल में चले गए। और कनक कश्यपु कर पुण्य सहारा, हिरण्यकश्यपु के बेटे प्रहलाद को ऐसा उपदेश दे दिया कि अर्जुन ने अपने पिता का वध करने के लिए ही नृसिंह भगवान का आवाहन किया। भला सोचो, जिसने आज तक इतने घर उजाड़े हो, क्या तुम समझती हो कि वो तुम्हारा घर बसावे? जब तुमने ये सोचा होगा कि मैं विवाह करूं, तो नारद को ये लगा होगा कि अगर मैं विवाह से रोकूंगा तो शायद ये नहीं मानेगी, इसलिए ऐसा विवाह करा दूं कि विवाह के बाद इतना झगड़ा हो, ऐसा पति मिल जाए कि थोड़े दिन के बाद इनको स्वयं पश्चाताप होने लगे कि हाय हाय, मैंने ये विवाह करके कैसी भूल कर लिया। बस आप नारद सिख जिसमें नर नारी अवश्य हो तरी भवन बिखारी मन कपटी तन सज्जन चीन्हा आप सरिस सभी चाह चीन्हा देखिए वचन माने विश्वासा तुम चाहो पति सहज उदासा। इस तरह से तो नारद का इतिहास वो तो एक व्यंग में उनकी परीक्षा लेने के लिए वो बात कही गई थी, पर नारद जी का ये इतिहास था। दक्ष को बड़ा क्रोध है और दक्ष ने नारद से कहा कि तुम ये बताओ कि तुम उपदेश देकर के लोगों को घर से बाहर जाने की क्यों प्रेरणा दे देते हो? तो उन्होंने पूछ दिया कि तुम ये बताओ, तुम तो शास्त्रों के पंडित, दक्ष भी बड़ा पंडित था, तुम ये बताओ कि त्याग श्रेष्ठ है कि भोग श्रेष्ठ है? तो अब शास्त्रों में तो सर्वत्र लिखा गया है भोग से त्याग श्रेष्ठ है। तो उन्होंने कहा कि भाई, कब भोग से जब त्याग श्रेष्ठ है और तुम्हारे लड़कों को मैंने त्याग की प्रेरणा दे दिया, तो बिल्कुल मैंने शास्त्र के अनुकूल किया, तुम रुष्ट क्यों हो रहे हो? पर बुद्धिमान लोगों के पास तर्क की कमी तो होती नहीं, दक्ष भी बड़ा बुद्धिमान था, उसने तर्क किया बिल्कुल ठीक। पर नारद देखो ना, शास्त्रों में जिन चार आश्रमों की कल्पना की गई है उसमें पहले ब्रह्मचर्य, बाद में गृहस्थ, बाद में वानप्रस्थ और अंत में सन्यासी। तो देखो, अगर त्याग ही सबसे बड़ी वस्तु होती
ब्रह्मचर्य के बाद सीधे संन्यास का उपदेश देता, पर शास्त्र ने तो ब्रह्मचर्य के बाद फिर गार्हस्थ और सबसे अंत में और तर्क किया दक्ष ने। देखो भाई, मनुष्य जब तक किसी वस्तु को कि अच्छाई और बुराई को स्वयं न समझ ले, तब तक केवल कहने मात्र से अगर किसी वस्तु को बुरा कह दिया जाए तो भले ही वो छोड़ दे, लेकिन कभी न कभी उस बुराई की ओर उसका आकर्षण होगा। इसलिए शास्त्र ये कहते हैं कि त्याग श्रेष्ठ भले ही हो, पर एक बार व्यक्ति का कहीं ऐसा न हो। मुझे स्मरण आता है श्री गुड़िया बाबा जी महाराज, जिनके चरणों में मुझे रहने का बरसों सौभाग्य मिला था। एक गृहस्थ के घर में विवाह था और वो गुड़िया बाबा जी को निमंत्रण देने आए, उनके प्रति बड़ी श्रद्धा थी। महाराज विवाह में पधारे, बाबा बड़े विनोदी थे और विरोध में भी उन्होंने एक मीठी बात की। उन्होंने कहा, देखो भाई, वो ठीक है कि तुम्हारी मेरे ऊपर श्रद्धा है, पर विवाह के समय न तो मुझे बुलाना ठीक है और न तो मेरा जाना ठीक है। क्यों महाराज? उन्होंने कहा, देखो, जब तुम मुझे बुलाओगे तो मैं तो अपने शिष्यों को और सन्यासियों को साथ में लेके आऊंगा और मुझे देख करके तुम सब लोग खड़े हो जाओगे, पूजा करोगे, सत्कार करोगे, और दूल्हा जब इस दृश्य को देखेगा कि अरे सन्यासी की तो इतनी पूजा है, हम बेकार चक्कर में पड़ गए विवाह के, तो तुम्हारे विवाह का सारा उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए अच्छा यही है कि उसमें दूल्हा सन्यासी को न दे। और साथ साथ उन्होंने विरोध में एक बार और भाई, ये भी तो हो सकता है कि जो सन्यासी है वहां का राग रंग देख करके आवे कि अरे इसका रस तो लिया ही नहीं, हम भी विवाह करते तो कितना अच्छा था, तो उन बेचारे सन्यासियों का सर्वनाश। अच्छा यही है कि उस समय तुम मुझे न बुलाओ, मानो इसका अभिप्राय यही है। और दक्ष ने यह तर्क किया कि ये कह देना कि संसार के भोग मिथ्या है, संसार के विषय मिथ्या है, संसार स्वप्न की तरह है, इसको वाणी से कह देना भी सरल है और बुद्धि से समझा देना भी सरल है। पर महाराज, भोगों का आकर्षण जब सामने आता है तो फिर वो उस व्यक्ति के मन में उसके प्रति आकर्षण हुए बिना रहता नहीं। इसलिए शास्त्र कहता है कि पहले तू भोगों को भोग करके देख लो कि उसमें क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, और भोगों को भोग लेने के बाद यदि ये लगे कि नहीं, भोगों के द्वारा जीवन में शांति नहीं मिल सकती है, तब वो व्यक्ति संन्यास लेगा तो संन्यास में पक्का रहेगा, और पहले ले लेगा तो कच्चा रहेगा। तो मेरे लड़कों का विवाह हो जाने देते, वो स्वयं अनुभव करते, और बाद में आप आकर के उनको संन्यास का उपदेश देते तो ठीक, पर आप वो अभी पढ़ लिख करके तैयार, ये आपका बड़ा न्याय। तर्क चलता रहा। उन्होंने कहा कि भाई, कीचड़ लगा करके कोई धोए, इससे अच्छा यही है कि कीचड़ लगावे ही नहीं। तो मैंने ये सोचा, तुम ये कह रहे हो कि पहले कीचड़ लगाने दीजिए और फिर धो लीजिए, मैं ये कहता हूं कि इसके चक्कर में मत पड़ो। नरक्ष ने कहा, और तब क्रोध में श्राप दे दिया कि तुम 2 घंटे से अधिक कहीं टिको ही नहीं, 2 घड़ी से न उपदेश तुम्हारा लोग अधिक सुनेंगे और न तो घर बार छोड़ेंगे, इसलिए तुम्हारा बस थोड़े देर के लिए आने जाना ठीक रहेगा। और नारद को ये शाप मिल गया, और नारद जो है सचमुच निरंतर घूमते ही रहते हैं, भ्रमण ही करते रहते हैं, यद्यपि वो शाप भी उनके लिए बरदान ही। आप लोगों में से
सत्यनारायण की कथा कई लोगों ने सुनी होगी, तो सत्यनारायण की कथा में एक बहुत मीठी बात है, जब वो घूमते रहते हैं कहीं टिक नहीं पाते तो लोगों का सुख दुख उनको दिखाई देता है, और तब वो सुख दुख लेकर के सत्यनारायण की कथा में याद आए का नारद जी घूमते हुए भगवान विष्णु के लोक में पहुंचे, संसार के लोगों का दुख उन्होंने देखा, और तब भगवान ने पूछा तो उन्होंने कहा महाराज संसार के लोग तो बड़े दुखी हैं, इनके दुख का निवारण कैसे हो, तो चलिए कम समय टिकते हैं तो भी दूसरों के दुख की चिंता ही उनके मन में रहती है, यह है नारद जी की विशेषता। और संत का कार्य भी यही है कि वो निरंतर भ्रमण करता हुआ लोगों को नारद दुख देखते हैं उसके निवारण का उपाय बताते हैं। किंतु ये जो प्रसंग रामायण में है बड़ा संकेत है, नारद जी महान व्यक्ति पर रामायण में ये बताया गया कि महान से महान व्यक्ति भी अगर सावधान नहीं रहेगा तो उसके जीवन में भी दोष बैठे बिना नहीं रहेंगे। और बड़ी सुंदर बात वो लिखा है, मैं आशा करता हूं आप उसे सुनेंगे बड़ी एकाग्रता से। और ये कि नारद जी ने जब वो दृश्य देखा तो उनका मन भगवान का ध्यान करने के लिए समय बीत गया। हुआ क्या, रामायण में लिखा हुआ है सुमिरत हरि शाप गति बाधी, शाप तो ये था कि दो घड़ी से ज्यादा कहीं टिकेंगे नहीं, लेकिन न जाने कितने वर्षों तक वो ध्यान में बैठे रह गए। आश्चर्य हुआ, दक्ष का शाप क्या झूठा हो गया। और तब एक बात आई कि वस्तुतः ये जो काल है उसका माप जो है वो तो घड़ी से ही होता है, आपके पास घड़ी है तो आप ये माप कर लेंगे कि कितना समय हो, पर अगर आपके पास घड़ी ही ना हो या हो भी और घड़ी रुक जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि समय कितना हुआ। सो याद रखिएगा, अगर सचमुच कोई भगवान का पक्का ध्यान करेगा तो घड़ी लेकर के अगर करने बैठेगा तो अधूरा ध्यान करने वाला ही वो माना जाएगा। अरे वो तो कथा में भी आप और हम बैठे हुए हैं तो घड़ी लेकर के ही बैठे हुए हैं, और इसका अर्थ ये है वक्ता के सामने एक समय का निर्धारण है, 8 बजे 9 बजे कथा समाप्त होनी चाहिए। श्रोता को भी अगर ऐसा होता है कि कई बार तो श्रोता बार बार घड़ी की ओर ही देख लेता है, अभी और कितनी देर कथा चलने वाली है। उसका अर्थ ये है समय की याद सचमुच नहीं भूल पाती, समय का भी महत्व है। पर सोचिए समय का महत्व आपके ऑफिस में चाहे जितना हो और उसका महत्व जीवन में है, लेकिन अगर आप भगवान के ध्यान में पूरी तरह डूबना चाहे, अभी कलकत्ते में मैंने विनोद किया था कि भाई नदी में स्नान करने वाले भी कई प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लोग नहाना तो चाहते हैं पर लोटा लेकर के बैठ गए और किनारे बैठ करके थोड़ा जल डाला और स्नान का कल आनंद मिल गया। और एक व्यक्ति वो है कि जो जरा सा और आगे बढ़ता है, और ऐसे भी नहाने वाले होते हैं कि वो पूरी तरह से डूब करके नहाते हैं। तो याद रखिए, अब लोटा लेकर के जो बैठा हुआ है उसका नहाना
और जो डूब करके नहा रहा है उसमें तो अंतर है। तो मैंने कहा था कि कलकत्ते वाले तो घड़ी का लोटा लेके बैठे हुए हैं और उस जल से ही जितना लोटे में जल आ जाए जल्दी से नहा लेना है। और यहां तो मैं समझता हूं कि और भी अधिक आप लोगों के पास घड़ी होगी, ये तो स्वाभाविक ही है। तो वो इस सच बात तो ये है कि भाई जब सच्चे डूबने वाली बात होगी तो मैं जानता हूं कि डूबना बहुत कम पसंद आता है और डूबना थोड़ा संकट का भी तो कारण है, डूबे और न निकल पाए तो जिस चिंता में जो लोग हैं वो डूब नहीं पाते। पर वो रामायण में एक बड़ी मीठी बात आई, क्या कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ। तो जब हम ईश्वर का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि ईश्वर जो है वो काल से परे है और संसार के जीव काल की सीमा में, काल का बड़ा महत्व है। तुलसीदास जी ने एक बात लिखी, सूर्य जो है आपके हाथ में जैसे घड़ी है इसी तरह से विराट की घड़ी जो है वो सूर्य है, वो समय चक्र। किंतु रामायण में आपने पढ़ा होगा पर उसके गहरे अर्थ पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। उस दिन क्या हुआ, बोले मास दिवस कर दिवस भा, मरमन जाने कोय और रथ समेत तो रवि था केऊ, निशा खवन गिरी हुए। एक महीने का दिन हो गया और एक महीने का दिन हो गया इसका अर्थ है काल की गति रुक गई, किसी को समय का भान नहीं रहा, काल का भान नहीं रहा। और काल का भान न रहना, मैं काल के भान के रहने का खंडन नहीं करता, व्यवहार में तो उसका बड़ा महत्व है, पर व्यवहार से जब ऊपर उठने की बात आ गई तो आपको कभी न कभी, मैं नहीं जानता अभी न सही, कभी न कभी काल की गति से ऊपर उठ जाना पड़ेगा। और जब काल की गति से आप ऊपर उठ जाएंगे तो आपको एक दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। जब काल का भान न रहे, देश का भान न रहे, शरीर का भान न रहे, एक ऐसी विचित्र दशा व्यक्ति की हुआ करती है। पर ये सचमुच बिरले ही व्यक्ति ऐसे होते हैं। मुझे याद आता है आप लोगों ने भी देखा होगा ये हम लोग क्या जो तिथियां मनाई जाती है, एक बार दिल्ली में एक सज्जन ने मुझसे कहा उस दिन कुछ लोगों ने रामनवमी एक दिन मंगाई मनाई और कुछ लोगों ने रामनवमी दूसरे दिन मनाई, कभी तो लोग तीन तीन दिन अलग अलग मनाते। तो उस सज्जन ने कहा कि क्या है ये हिंदुओं की बुद्धि कि एक तिथि के बारे में भी ये एक मत नहीं हो पाते कि आज रामनवमी है कि कल रामनवमी है, कोई कह रहा है आज है, कोई कह रहा है कल है, कोई कह रहा है परसों है। तो मैंने उनसे यही कहा कि भाई इतनी चिंता मत कीजिए, जब राम का जन्म हुआ और 30 दिन की रामनवमी हो गई तो 300 दिन रामनवमी रहे तो भी तो रामनवमी ही है, आप क्यों घबरा गए कि रामनवमी के इतने दिन क्यों हो गए। सच बात यही है कि इसका अर्थ ही ये है कि कहीं ऐसा तो अवसर हो कि जब आप इस सबसे ऊपर उठ जाए। तो वो ऊपर उठ जाने का अभिप्राय किसका अर्थ ये है और होता भी है क्या, कभी कभी आप अपने जीवन में अनुभव करें कि जब आनंद का क्षण हो तो आपको कई घंटे बीत जाने के बाद भी जब घड़ी पर दृष्टि जाती है तो आपको आश्चर्य होता है, अरे इतना समय हो गया। और कभी आपको आनंद न आवे कथा ही सही तो आपको लगने लगेगा कि ये घंटा पूरा भी होगा कि ये चलता ही रहेगा, कब समाप्त होगा। और इसका अर्थ ये है कि समय का संबंध घड़ी से ही नहीं है, हमारे आपके मन से। तो नारद जी जब भगवान के ध्यान में डूब गए तो दो घड़ी कहां न उनके मन में दो घड़ी, और वो भगवान में डूब करके इतने
तन्मय हो गए कि बस ये भान नहीं रहा मैं कहां बैठा हुआ हूं, कितनी देर से बैठा हुआ हूं। और उस ध्यान में जब नारद बैठे हुए थे, नारद जी के ऊंचाई का प्रसंग, और उसके बाद अब दूसरी बात सामने आई। स्वर्ग के राजा इंद्र ने जब देखा कि नारद तो इतनी बड़ी साधना में लीन है, तो बेचारे का हृदय जो था वो ईर्ष्या से भर उठा। ये देवता ईर्ष्यालु बहुत होते हैं, ईर्ष्यालु तो संसार के अधिकांश लोग होते हैं, पर जो देवता है उनकी ईर्ष्या बड़ी प्रबल है। और उसका कारण उसको सर्वदा ये चिंता बनी रहती है कि मेरे पद पर कोई दूसरा तो नहीं अधिकार करना चाहता, और तब उस चिंता से घबरा करके उसने कामदेव को बुलाया और कहा कि तुम अप्सराओं को लेकर के जाओ और नारद को किसी भी तरह से ध्यान से दूर करो जिससे मेरा स्वर्ग तो सुरक्षित रहे। अप्सराओं को लेकर के काम गए और काम जब लेकर के गया तो विविध प्रकार से नृत्य संगीत उस आश्रम में चारों ओर रस श्रृंगार का वातावरण बना दिया कामदेव ने, पर नारद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, नारद के मन में कोई विकार नहीं आया। और जब कोई विकार नहीं आया तो काम बेचारा घबरा गया कि अब नारद जी मुझे शाप दे करके भस्म कर देंगे, अब मैं क्या करूं। तो जाकर के चरणों में गिर पड़ा और चरणों में गिर करके कहने लगा, महाराज मैंने जो कुछ हुआ है इंद्र की प्रेरणा से किया है, जो कुछ करना हो आपको शाप को आप इंद्र को दीजिएगा, मुझे तो आप क्षमे कीजिएगा। असली लेकिन नारद, नहीं नहीं तुम पर तो मुझे क्रोध है ही नहीं, इंद्र से जाके कह देना, वो बेचारा लोभी है, तो लोभी लोगों को ऐसा डर लगता ही है, तो उससे जाके कह दो कि मुझे स्वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं। परिणाम नारद जी ने काम को भी जीत लिया, स्वर्ग का लोभ भी नहीं क्रोध भी नहीं, और वो जो काम था स्वर्ग में गया। और तब नारद जी की प्रशंसा किया और साथ साथ कामदेव ने ये कहा कि नारद जी में तो ये विशेषता इसीलिए आई है कि भगवान की उन पर कृपा। और इधर कभी कभी बात उल्टी हो जाती, नारद के पास काम आया तो नारद जैसे संत का सत्संग होने से उसको तो भगवान के गुण की याद है। वो प्रसिद्ध कथा आपने सुनी ही होगी कि दो मित्र जा रहे, कथा हो रही है तो एक ने दूसरे से कहा चलो कथा में चले, दूसरे ने कहा भाई हम तो जरा जाकर के घर में आराम से लेटेंगे, पत्नी से कुछ बातें करेंगे, मैं नहीं जा पाऊंगा। और जब यह व्यक्ति कथा में गया तो उसके समझ में ही नहीं आ रहा था कि कथा हो क्या रही है, उसकी बुद्धि से अधिक थी, तब वो सिर पीटने लगा कहां मैं फंस गया, अब बीच में उठ के जाऊं तो भी लोग कहेंगे कि कथा से उठ के जा रहा है, और वो हमारा मित्र क्या इस पत्नी से मीठी मीठी बात कर रहा होगा घर में लेटा हुआ का, मैं किस चक्कर में फंस गया। और जो घर में पहुंचा उसका जाति पत्नी से झगड़ा हो गया और वो सिर पीटने लगा कहां में आ गया, हमारा मित्र क्या बढ़िया भगवान का गुण चरित्र सुन रहा होगा, कथा सुन रहा होगा। परिणाम जो घर में था वो कथा में पहुंच गया और जो कथा में था वो घर में पहुंच गया। कभी कभी ऐसा होता है, यहां भी यही हुआ, नारद का प्रभाव पड़ा काम के ऊपर और मुनि प्रशंस हरीश्वर नारा, सब लोगों ने नारद की प्रशंसा किया पर भगवान को ही प्रणाम किया। काम ने भी यही कहा, बिना भगवान की कृपा से कोई विकारों को नहीं जीत सकता। किंतु काम ने जो नारद का को प्रणाम किया तो ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो तो चला गया, पर चले जाने के बाद अब नारद जी अकेले में बैठ के सोचने लगे
मैंने इतना बड़ा जो काम किया, काम क्रोध को लोभ को जीत लिया, क्या उससे पहले किसी ने इतना बड़ा कार्य किया? शंकर जी ने भले ही काम को जीतने वाले माने जाए, पर वो तो काम को जलाते हैं। मैं तो इतना महान हूं कि मैंने काम को भी जीत लिया, क्रोध भी लिया। और जब नारद जी ये सोचने लगे तो अहंकार हृदय में आ गया और अहंकार ने हंस करके कहा, आपने मुझे बुला लिया है तो हम सबको बुला लेंगे, आप निश्चित मानिए। और उसका अर्थ ये, गुण के बाद यदि गुण का अभिमान आवेगा और उसी की संभावना अधिक रहती है तो निश्चित रूप से उसका परिणाम किस रूप में होता है। नारद जी के प्रसंग में ये गुण और दोष की ऐसी सुंदर व्याख्या की गई है, कैसे गुण जो है वो दोष की दिशा में चला जाता है और दोष की दिशा में जाने के साथ साथ एक बड़ी ही मनोवैज्ञानिक बात रामायण में लिखी हुई, और वो ये है कि नारद जी ने सोचा कि अब सबसे पहले कहां चले, तो होना तो ये चाहिए था कि भगवान विष्णु के पास जाकर के प्रणाम करते और कहते कि प्रभु आप इतने कितने कृपालु हैं कि आपकी कृपा से मैं बुराइयों से बच गया। पर वो भगवान के पास नहीं गए, सीधे शंकर जी के पास गए। क्यों गए? नारद जी को लगा कि शंकर जी को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि नारद ने काम को जीत लिया, जरा चल करके सुनावे देखें क्या होता। ये बस सुनाने के लिए, शंकर जी को थोड़ा जलन पैदा करने के लिए कि वो भी ये मन में होंगे, और तब पहुंच गए शंकर जी के पास। शंकर जी ने देखा तो स्वागत किया, बड़े प्रसन्न हो गए, आप पधारे राम कथा सुनाइए। नारद ने कहा कि राम कथा तो आपने हजारों बार कही, मैंने कही, अब वो कथा तो बहुत पुरानी हो गई, आज आपको हम नई कथा सुनाएंगे। और तब रामायण में लिखा हुआ है, मान चरित्र संकरण सुनाए। बोले राम का चरित्र तो पुराना हो गया, अब सुनिए जरा मार काम को कहते हैं और कैसे काम आया। अब आप सोचिए कैसे दोष आता है, जिस दोष पर उन्होंने विजय प्राप्त किया। अब जब कथा कहने लगे, वर्णन करने लगे, कैसी सुंदरी अप्सराएं आईं, कैसा उन्होंने नृत्य किया, कैसे संगीत उन्होंने गाए, वही चिंतन कथा में भी उसी का वर्णन। और उसका अभिप्राय यह है, काम के मन में तो राम आ गए, और जब जिनके मन में राम होना चाहिए था उनके मन में ये वृत्ति आ गई, और ये जब वृत्ति आ गई तो फिर शंकर जी कभी कभी अभिमान जब वक्ता में होता है तो उसको ये चिंता होती है कि हमारी कथा का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। तो नारद जी ने उस समय उसी मुद्रा में थे, शंकर जी की ओर देखा, कैसा लगा, कैसा आज की कथा आपको कैसी लगी? और तब शंकर जी ने हाथ जोड़ करके कहा, बार बार बिनवो मुनि तो ही जिन यह कथा सुनाये हो मुनि, तिन जनी हरि ही सुनाये हो कहो। राजी के लिए प्रार्थना है कि आप ये कथा विष्णु भगवान को मत सुनाइएगा। और जो ही ये बात कही, नारद मन ही मन हंसे, बोले मैं तो जानते ही था कि इनको मुझसे ईर्षा हो जाएगी, और कितनी ईर्षा हो गई कि ये चाहते हैं कि मेरा प्रचार ही न होने पावे, और रोक रहे हैं मुझसे कि मत विष्णु भगवान को सुनाइएगा। नारद जी कहने लगे, महाराज अगर वो पूछे थे तो, बोले चले हूं प्रसंग दुराय हूं प्रभु, वो पूछे तो भी छिपा जाइएगा। अब नारद और मनी मन से बोले, देखो इतनी ईर्षा आ गई है
कि मुझसे भगवान से कपट करने की शिक्षा दे रहे हैं। ये जो मन के रोगी होते हैं और शरीर के रोगी होते हैं उनमें एक ही बड़ा अंतर है कि शरीर के रोगियों को रोग अपने में दिखाई देता है और मन के रोगियों को रोग दूसरे में दिखाई देता। अपने में रोग दिखाई दे तो व्यक्ति दवा करेगा और जब दूसरे में रोग दिखाई देगा तो यही कहेगा कि इसके इलाज की जरूरत है। बस ये जो गुण और दोष की समस्या है, आज नारद के जीवन में गुण के बाद अभिमान और अभिमान के बाद वही दोष और दोष के साथ साथ शंकर जी में ही वह दोष। सोचिए नारद जी को भगवान शंकर ने कितना सुंदर सावधान किया। शायद अगर कोई किसी श्रोता से वक्ता पूछ दे कि कथा कैसी लगी, और श्रोता कह दे कि आज तो आपने सुनाया तो सुनाया, आप फिर कभी मत सुनाइएगा, तो इससे बढ़ करके वक्ता के लिए कोई बुरा हो नहीं बात हो सकता। पर भगवान शंकर ने तो यही कहा, और जब उन्होंने कहा कि भगवान से भी छिपा लीजिएगा तो उनका भाव कितना सुंदर था। भाई निष्कपट तो होना चाहिए, ये बड़ा गुण है। पर सोचिए आपने भोजन किया हो और आपके मुंह से कह हो जाए, बमन हो जाए, और आप इतने निष्कपट बन जाए कि जो आवे उसको पहले वही दिखावे, ये देखिए तो आप अच्छे निष्कपट निकले। अरे भाई उस बमन को ढक दीजिए, ये प्रशंसा का भी बमन हो जाता है। जब भोजन नहीं पचता तो मुंह के रास्ते निकल आता है, और इसी प्रकार से प्रशंसा नहीं पचती है तो उसका वही परिणाम होता है जो नारद जी के जीवन में। इस तरह से कैसे गुण और दोष की समस्याएं सामने आती हैं और उस गुण और दोष की समस्या का क्या समाधान, ये एक महान कार्य है, महान सूत्र है कि दोष और गुण से मिला हुआ संसार। और नारद जैसे व्यक्ति में भी अगर वो सावधान नहीं होता है तो गुण दोष में बदल जाते हैं और वो दोष दूसरे में ही दिखाई देता है। वह बात तो मैं अनेक बार दोहराते हुए नहीं भूलता जिसका अनुभव मुझे दिल्ली में हुआ। पति पत्नी अपने, मैं उन्हीं के यहां ठहरा हुआ था, मुझे कथा के स्थान पर ले गए, रामकृष्ण मिशन में कथा हो रही थी। उस दिन मैंने व्याख्या किया कि अहंकार ही कुंभकर्ण है, और कथा का प्रभाव तुरंत सामने आया। जब मैं आकर के गाड़ी में बैठा तो पतिदेव ने कहा थोड़े थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, कुंभकर्ण आ जाए तब न चले। उनका संकेत पत्नी की ओर था, उन्होंने उनमें पूरा कुंभकर्ण का लक्षण मिला लिया और उन्होंने यही कहा कि कुंभकर्ण आ जाए तो चले। पर सबसे विलक्षण व्यंग ये हुआ कि पत्नी जो ही आई उन्होंने अपने पतिदेव से कहा कि आज की कथा तुमने ध्यान से सुनी कि नहीं, पूरा तुम्हारे ही वर्णन था। और तब सबसे विचित्र इसका अर्थ ये है, पतिदेव को लग रहा था पत्नी बड़ी अहंकारी है, पत्नी को लग रहा था पतिदेव बड़े अहंकारी है, दोनों को एक दूसरे में कुंभकर्ण दिखाई दे रहा था। मैंने उनसे यही कहा कि चलिए रामायण में राम और कुंभकर्ण के युद्ध का तो वर्णन है, पर कुंभकर्ण से कुंभकर्ण का युद्ध जो है वो भी दिखाई देंगे। और यही वो तो एक संवाद में लगती है बात, पर हम लोगों के जीवन की स्थिति तो यही है, सदा हमको दोष दूसरे में दिखाई देता है, हम अपने में देख नहीं पाते। इस गुण और दोष की समस्या का समाधान वस्तुतः भगवान के गुणों में, भगवान के गुणों के गायन में, भगवान की कथा के माध्यम से रामचरितमानस में दिया गया। अगले दिनों हम संक्षेप में इसकी चर्चा करेंगे। आज इतना ही, बोलिए श्यावर राम।